गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, आज हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण किया है। कोरोना काल की वजह से बच्चे घर पे 2 साल से घर पे ही हैं, पर कोविड का पालन करते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे HM लाइब्रेरी एंड सेल्फ स्टडी सेंटर की शुरुआत की है नानाकोंडा चिवल में, धर्मपुर रोड चिवल। यहाँ पे आके बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या घर पे पढ़ाई करने के लिए उनको बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। उनके लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण किया है, लाइब्रेरी ओपन की है, मन चाहे बुक भी पढ़ सकते हैं। पर खास स्पेशल जो स्कूल से लेके कॉलेज तक के बच्चे और जो बाकी के हैं, खास परीक्षाओं की, स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जिन्होंने IPS, PSI का सपना देखा है, क्लार्क है या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब है, वो जॉब के लिए जो स्टडी जरूरत है वो स्टडी करने के लिए यहाँ पे टाइमिंग रखा है। कोई भी आके यहाँ पे स्टडी कर सकता है। सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक का बैच है, एक वो बैच हाउसफुल है, फुल है बैच, उसमें एडमिशन नहीं हो सकता है। उसके बाद 1 बजे से लेके 8 बजे तक का बैच है, उसमें एडमिशन चालू है। उसके बाद फिर जो 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक का एडमिशन चालू है। यहाँ पे सेल्फ स्टडी सेंटर में आपको बैठ के आराम से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 7 घंटा आपके लिए है, चाहे आप 7 घंटा पढ़ाई करो, चाहे 4 घंटा करो, 5 घंटा करो, पर उसके लिए बहुत दूर नहीं, नानाकोंडा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पे एक नैसर्गिक वातावरण, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में यहाँ पे फैसिलिटी है। जैसे पानी की तो फैसिलिटी है, टॉयलेट बाथरूम सेपरेट है, सब कुछ सेपरेट है, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए सेपरेट है, सिटिंग अरेंजमेंट सेपरेट है, और उसमें भी हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। उसके साथ जैसे गुजराती माँ कहावत से है कि वाचो सीखो अने तमारो लक्ष्य हासिल करो, लक्ष्य को पाना है तो आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। और इस लाइब्रेरी में कोविड का तंतोतंत कोविड के नियमों का पालन किया जाता है, वो पालन करते हुए बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं। हम लोग देखते हैं कि चलो अभी जस्ट 15 दिन हुआ है शुरू करके, पर उसमें कुछ बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं है, बच्चे क्या बोलते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्याणी को कि उनको कैसा लगा यहाँ आके। मैं जब यहाँ पहले आई थी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं होगा, फिर मैंने यहाँ एक दिन में रुकी तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पहले तो पढ़ना भी नहीं आता था, बाद में यहाँ तो आई, पर मैं मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी आया और लिखना भी आया। मेरे हैंड राइटिंग भी अच्छे नहीं थे, बाद में मुझे पापा ऐसा बोलते थे अच्छा पढ़ रही है ऐसा। थैंक यू। मतलब जो घर पे तकलीफ होती थी, बेटा घर पे आपका स्टडी होता था, आप हॉस्टल से घर पे आए, बाद में घर पे स्टडी करने के लिए क्या क्या तकलीफ होती थी आपको? मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे पापा कहते थे कि बर्तन धोने ये धोना है, बाद में मुझे स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता था। बाद में यहाँ आके तो कुछ टेंशन नहीं, स्टडी करते तो स्टडी कर, वहाँ तो स्टडी करने के लिए थोड़ा समय भी नहीं मिलता, वो बाद में वो सब। ये है कि बच्चों ने यहाँ पे देखा है कि कितना वातावरण शांत है और अच्छा है, और उसमें उनका इम्प्रूवमेंट कैसा होता है। वैसे ही हम लोग जैसे यहाँ पे आया है, आया बेटा आपको घर पे क्या क्या तकलीफ होती थी पढ़ाई करने के लिए? घर पे मेरे 2 भाई हैं, वो परेशान करते हैं और समय भी नहीं मिलता है, और यहाँ आके मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पढ़ना मिलता है, और मेरे हैंडराइटिंग भी अच्छा नहीं थे और मेरे भी अभी अच्छे आते हैं, और पहले मुझे मुंह से कुछ बोलना इंग्लिश में नहीं बोल पाता था, अभी बोल थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। विशेष देखो, इंग्लिश में बोल नहीं पाते थे, रीड कर नहीं पाते थे, पर यहाँ पे 1 घंटा ऐसा दिया है कि फ्री ऑफ 1 आवर्स फ्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो आप यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर भी, वो 7 आवर्स में से 1 आवर्स आपको इंग्लिश ग्रामर भी दिया जाएगा। जैसे कि अभी भरत, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या करते थे घर पे? हम लोग खाना खाने आना है, मम्मी बोलती
कुछ लेने गए दुकान पे, यहाँ आके अच्छा लगता है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, अभी अच्छी हुई है। अब मुझे पहले बराबर पढ़ना नहीं आता था, अभी आती है पढ़ना। अच्छा, आपने बोला था कि आप थोड़ा मोबाइल पे ज्यादा रहते थे और उसमें कुछ फ्री फायर कैसा रहता था? घर पे रहता था इसलिए फ्री फायर खेलता था। कैसे खेलते थे आप, कुछ दिन बता रहे थे? वो लत नहीं छूट रही थी ना आपकी? नहीं, तो अभी लत छूट गई आपकी? अभी छूट गई, क्योंकि आपने एक से पांच बजे तक रहते थे। तो आपकी जो फ्री फायर की लेवल कहाँ तक गई थी? 35 तक लेवल गई थी। तो आपका मन लगता था पढ़ाई में पहले? मन नहीं लगता था। वैसा ही सेम इनका है। गणेश, क्या तकलीफ होती थी आपको? पढ़ाई अच्छे से नहीं होती थी और मोबाइल आ जाता था, मन करता था कि फ्री फायर खेले और पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अभी फ्री फायर छोड़ दिया और स्टडी सेंटर खोला, उसमें है ना मुझे पढ़ने आ रहा था। पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था, इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आती थी ढंग से। सर ने कोशिश की और मुझे पढ़ाया था। वेरी गुड। इन सभी बच्चों का आभार, और खास करके यहाँ पे बड़े भी हैं, छोटे भी बच्चे हैं। और मॉर्निंग का जो ये रहता है वो बड़े छोटे बच्चों के लिए, पर आफ्टरनून का और इवनिंग का बैच है वो बड़े बच्चों के लिए है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वो बच्चों के लिए है, और कॉलेज वाले हैं, ट्वेल्थ वाले हैं, टेंथ वाले हैं, वो बच्चों के लिए है टाइमिंग। मैं खास उदय को पूछना चाहता हूँ कि उदय, आपको क्या तकलीफ होती थी घर पे? घर पे जब है ना टीवी चालू, तो पढ़ नहीं पाता था और टीवी का शोर बहुत रहता था। बाजू के लड़के है ना मुझे खेलने बुलाते थे और है ना बुला के फिर पूरा दिन वहाँ रहता था, लिखने का मन ही नहीं लगता था। यहाँ आया तो मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है, सर ने कहा ये ऐसा ऐसा पढ़ना है, तो मुझे इंग्लिश भी पढ़ने आई और अभी धीरे धीरे सब आ जाएगा सर करेगा। तो थैंक यू। ऐसे बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके रिलेटिव्स में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके खुद के बच्चे हो, चाहे खुद आप हो, अगर आपको स्टडी करना है तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज रखा है। एडमिशन शिफ्ट का 1 बजे से लेके 8 बजे तक का भी है, और शाम को 5 बजे से लेके 12 बजे तक के बैच में भी आप आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। खास उद्देश्य वही है हमारा, यहाँ आके आप स्टडी करो। ओके, थैंक यू।